बनाएंगे राइस केक। मामा जी, तुम्हारा मतलब गुड मॉर्निंग। आज हम राइस केक बनाएंगे। भाई मैं तो खाऊंगा। देख देख, मैं भी तो बिल्कुल राइस केक जैसा हूँ। तुम भी नाशिक चांद। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो हेलो, कज़मा है क्या? हेलो, कज़मा बोल रहा हूँ। बोलो बोलो। अरे मैं भी तुम्हारी जैसी हरकत करने लगा। आज सारे बच्चे राइस केक बनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। किताब में कुछ लिखा है क्या? राइस केक बनाने के लिए सब कुछ सही होना चाहिए। अपने पैर इस तरह से रखो और फिर ऐसे। ये तो अच्छी बात है ना, राइस केक बनाने के लिए तुम इतनी खुश हो। तुम्हें पता है मैं रोपोनकी में पैदा हुई थी। ये सब तो छोटी बातें हैं। अब ये क्या है? ये क्यों रखा है? ये बचा हुआ राइस केक है ना? खराब हो गया है। ये खराब नहीं है। योशिनागा मैम। हाँ बोलिए। राइस केक बनाने के लिए राइस रेडी है क्या? जी हाँ, मैंने धोकर पानी में रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल के दोस्त ने वो राइस भिजवाया था राइस केक बनाने के लिए, है ना? किंडरगार्टन में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं बाकी की तैयारी कर लेता हूँ। ये हो गया। राइस केक के लिए राइस तैयार है। अरे ये तो, ओ नहीं सॉरी, लगता है गलत राइस भिजवा दिया मैंने आपको। मुझे लगा था कि वही राइस है, लेकिन यकीन मानिए ये राइस भी बहुत टेस्टी है। अरे अरे कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया। अब क्या करूँ, नॉर्मल राइस से राइस केक बनाना मुमकिन नहीं है। एक बार राइस केक बन जाए तो हम किसके साथ खाएंगे? मैं सोयाबीन पाउडर के साथ खाऊंगी। मैं रेड बीन के साथ खाऊंगा। मैं केचप और चीज लगाकर पिज्जा जैसा बना लूंगा। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के साथ भी अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम छोटी बच्ची हो। हाँ तो इसमें कौन सी बात हो गई? बड़े आदमी सीविड और सोया सॉस के साथ खाते है। शिनचान, soplamos para enfriarlo. बच्चों वाली हरकत तो तुम कर रहे हो। गैंग लीडर, काम करने के लिए थैंक यू। हूँ मैं प्रिंसिपल हूँ बेटा। ओ, क्या हुआ सर? अच्छा हुआ कि आप आ गए। प्रिंसिपल सर, ये देखो मैंने राइस केक बनाया है। ये टेस्टी है ना? हाँ बेटा टेस्टी है। हाँ मेरा भी। मार की। मैं इन बच्चों को उदास नहीं देख सकता। अब जो भी हो जाए मैं राइस केक ला कर रहूँगा। अरे ये क्या, ये तो बंद है। और तेज और तेज। क्या कहा आपने, खत्म हो गया? माफ कीजिए सर, अभी खत्म हुआ। दूसरे सुपरमार्केट में जाना होगा। क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या ये साइकिल आपकी है? हाँ मेरी ही है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं फुटाबा किंडरगार्टन का प्रिंसिपल हूँ। क्या कहा प्रिंसिपल? आपको कोई प्रॉब्लम? मुझे शक है। क्या? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लग गया कि मैं दूसरे मार्केट जा ही नहीं पाया। हाँ याद आया, डिजास्टर प्रिवेंशन फूड वालों के पास राइस केक के लिए राइस होगा। जो यहाँ नहीं है। अरे ब्रेड मेकिंग सेट। मुझे दो, ये लो। अरे वाह, बहुत सारे बादल छाए हैं। ये फ्लफी सॉफ्ट बन जैसे लग रहे हैं। बन? फ्रेश बेक्ड बन बहुत टेस्टी होता है। क्या बच्चे राइस केक की जगह बन खाएंगे या नहीं? ये है स्लाइस्ड ब्रेड, हॉट डॉग ब्रेड, रोल ब्रेड। इसमें क्रीम भरा है और उसमें चॉकलेट भरा है, और तो और वहाँ सैंडविच भी है। मुझे तो ब्रेड जैसा लग रहा है सर। ब्रेड जैसे लग रहे हैं, है ना? मुझे भी ब्रेड पसंद है सर। वैसे मुझे भी ब्रेड बहुत पसंद है। ब्रेड अच्छा है। ब्रेड सच में अच्छा लगता है। हाँ सर, मुझे ब्रेड खाने का मन कर रहा है। अच्छा तो क्यों ना आज ब्रेड ही बना ले। जी है। तो किसे किस तरह का ब्रेड खाना है बोलो? बन जैम, जैम ब्रेड, सैंडविचेस, बटर टोस्ट भी, हनी बंस। हाँ
ये किस तरह की ब्रेड है? इसमें हनी डालती है। ये कैसे खा सकते हैं? क्यों ना हनी राइस खाया जाए। हनी राइस केक? राइस केक पर हनी डालकर? मुझे खाना है। हाँ वैसे वो भी अच्छा लगेगा। अरे तुम लोग ब्रेड की वजह से राइस केक को भूल गए क्या? वापस राइस केक पर आ गए। तो क्या सभी को राइस केक खाना है? हाँ। तो बोलो राइस केक। राइस केक। राइस केक। राइस केक। अरे नहीं, मैंने इनका मन लगभग बदल दिया था। राइस केक। राइस केक। चलो राइस केक बनाते हैं। योशिनागा मैम, आप ठीक तो हैं? माफ कीजिए सर, पहले मैं यहाँ नहीं थी पर अब सब ठीक है। हमने इस किताब में चेक किया है सर। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। खुशबू अच्छी है ना? राइस केक की खुशबू बहुत अच्छी है। ये नॉर्मल राइस केक है? क्योंकि ये नॉर्मल राइस केक से बिल्कुल अलग है। हमारे पास सिर्फ नॉर्मल राइस केक है। राइस केक, राइस केक, राइस केक, राइस केक, राइस केक, राइस केक। आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? ये बच्चे राइस केक बनाना चाह रहे हैं और मैं उसे सच्चाई छिपा रहा हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं बच्चों को क्या कहूँ? क्या मैं उन्हें सच बोल दूँ? अब मैं उनका मन नहीं बदलूंगा और मैं उन्हें दिल से सॉरी बोलूंगा। अब मैं सच का सामना पूरी हिम्मत से करूंगा। मेरे बच्चों, ये क्या है? ये नॉर्मल राइस केक है? हम इसे केक नहीं बना सकते। ये तो नॉर्मल राइस है जो हम रोज खाते हैं। अच्छा, क्या हम इसे राइस केक नहीं बना सकते? मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो। तो हम राइस केक नहीं बना सकते हैं? हमारा बहुत मन था केक बनाने का। सारी गलती मेरी है। हम बना सकते हैं। नॉर्मल राइस से भी राइस केक बन सकता है। मांटू, मांटू। चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना? मैंने कहा था ना इससे केक बन जाएगा। अच्छा तो क्या ये तुम पहले से ही जानती थी? नहीं, यहाँ आकर सीखा। लेकिन मैम आप राइस केक और नॉर्मल केक में अंतर बताने वाली थी ना, हम तो वही जानना चाहते थे। ये भी सीख रही है इसलिए इसे पता नहीं है। ये सही जवाब नहीं है। मुझे लगता है ये तैयार हो चुके हैं। बहुत टेस्टी है ना? मेरा मन नहीं भर रहा। सारे बच्चे कितने खुश हैं, है ना? आपने सही कहा सर। क्योंकि गैंग लीडर ने हमें नहीं बताया कि हमारे पास राइस केक बनाने वाला राइस नहीं है। अब ये बोलने की जरूरत नहीं और मैं प्रिंसिपल हूँ। सुपरमार्केट में सेल्समैन है या है कॉमेडियन? हेलो, मैं हूँ कवासी मत्सुजो, डेमोंस्ट्रेशन सेल्समैन। मैं पूरे जापान में सुपरमार्केट्स में घूमता रहता हूँ। मैंने अपनी जुबान और स्किल से हर तरीके के प्रोडक्ट्स बेचे हैं। डेमोंस्ट्रेशन सेल का प्रोफेशनल हूँ और आज मैं आपको कुछ बेचूंगा। ओके, आज तुम यही से अपना काम करो। यस सर। बाय बाय। एक्सक्यूज मी, ये वाली स्टोर है जहाँ वो फेमस और चार्मिंग सेल्समैन काम करता है और टीवी शो पर दिखता है? हाँ, मशहूर ताकेशिता। उसने एक दिन में 1000 कटिंग बोर्ड बेचे थे और उसी वक्त एक टीवी प्रोड्यूसर ने उसे देखा था जब वो यहाँ काम कर रहा था। यानी कि मैंने सही सुना है। इसलिए अब तुम भी अपनी मेहनत जारी रखना। खूब मेहनत करूँगा। सब सेट है। अच्छा सुनो, अभी मैं बेकासुका मार्केट में हूँ। बेकासुका? बेकासुका सुपर मार्केट। अरे वही तमसाई वाला, याद है कि नहीं? वो आदमी जिस तरह से अपने कंधे पर स्वेटर रखा है और जिस तरह से बिजनेस के बारे में बातें कर रहा है, वो पक्का प्रोड्यूसर ही होगा। ओके। मैम प्लीज, खिलौने वाले सेक्शन में चलती है ना प्लीज। नहीं, आज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये गलत बात है। सबसे पहले मुझे सही फैमिली को ढूंढना होगा। हेलो मैडम, प्रीटी मैडम। कहाँ है प्रीटी मैडम? अरे ये तुम्हारी मॉम के बारे में बोल रहा है। क्या कहा? आप इसकी मॉम हैं? मुझे तो लगा कि आप इसकी बेबी सीटर हैं। सॉरी मैडम। ऐसा मत बोलो, मैं इतनी भी यंग नहीं लगती। आप लगती तो हैं। आपके पास थोड़ा समय है? हाँ हाँ, मेरे पास बिल्कुल समय है। लेकिन आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। ऐसा मत बोलो, मेरा गेम खराब हो जाएगा।
अंकल, क्या आप कोई कॉमेडियन है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे आप कॉमेडियन लगी। मैं कॉमेडियन नहीं हूँ बेटा। ओके, चलो मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। और वो क्या है? अच्छा बेटा, तुम अपने घर में सारी दीवारों पर इस तरह की चीजों से ड्रॉ करते होगे ना? मैं ऐसा नहीं करता। तुम ही करते हो। तो चलो यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके दिखाओ। वाह, बहुत अच्छे। ये तुम गलत कर रहे हो। आप रुक जाइए मैडम, मैं मैजिकल क्लॉथ का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओके, अब देखिए इसका कमाल एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, ये तो कमाल है। देखो सभी आ रहे हैं। कैसा लगा मैजिक क्लॉथ? ये देखिए, कुछ साफ कीजिए। वाह, प्रोड्यूसर देख रहा है। कोई भी दाग या धब्बा साफ गायब हो जाएगा। सच में ये कमाल का है। अंकल सुनिए ना। हाँ? क्या ये साफ हो सकता है? नहीं, मेरे पास एक ही पैंट थी। आई एम सॉरी शिनचैन। ये क्यों कहा कि ये मैजिक क्लॉथ कुछ भी साफ कर सकता है? चुप रहो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब कुछ नहीं साफ कर सकता। नहीं। नहीं, ये गलत है। ये दीवारों और फर्श साफ करता है। वापस आ जाइए, प्लीज आ जाइए। रो क्यों रही हो? वो डायपर गीला होगा। शिनचैन जरा यहाँ आओ। मम्मी यही रुक कर कॉमेडी जंगल को देखना चाहता हूँ। क्या? ठीक है, तुम यही रहना। एक्सक्यूज मी मैडम। अंकल अंकल, अगला जोक सुनाइए ना। मैंने कहा ना, मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। सुनिए सुनिए, ये कॉमेडियन अंकल है ना, ये वन लाइन वाले जोक मारते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, कम से कम कस्टमर्स तो आ गए हैं। ओके, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? मेरे हाथ में क्या है बताइए मैडम जरा। ये तो पीलर है, जिससे सबसे के छिलके निकालते हैं। सही जवाब, लेकिन ये कोई आम पीलर नहीं है। ये फ्री में नहीं है, इसके पैसे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, पैसे लगते हैं, ये बिजनेस है, समझे? और नहीं नहीं नहीं, देखने के लिए पैसे नहीं लगते हैं बिल्कुल। अब देखिए मेरे हाथ में है ये मूली। अब देखिए, ध्यान से देखिए। देखा आपने, पलक झपकते ही ये मूली छिल गई। अब देखो इसका भी यही हाल होने वाला है। चाकू की जगह इसे इस्तेमाल करो, आसानी होगी। इसे तो कोई भी बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। क्या ये मैं कर सकता हूँ? अरे नहीं, तुम तो बहुत ही छोटे हो बेटा। यानी कि बच्चा नहीं कर सकता? आपने अंकल झूठ बोला है। झूठ बोलना गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, समझ गया। ये लो जल्दी से इसे इस पर रगड़ो। हाँ बेटा, ये कटी हो रहा। इसे ऐसे नहीं करते, इसे ऊपर से नीचे रगड़ते हैं। ये तो हिल भी नहीं रहा। मुझे दे दो बेटा। ये तो टूट गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। सस्ता है इसलिए। अंकल, आपका ये वाला जोक अच्छा नहीं था। वो जोक था? जोक था क्या? नहीं नहीं, ये जोक नहीं था। सुनो बेटा, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, जाओ अपनी मॉम के पास जाओ। लेकिन अंकल, अकेले में फेमस होना बहुत मुश्किल होगा। मैंने कहा ना, मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। हेलो हेलो, अब अंकल आयरन पेट इस्तेमाल करके दिखाएंगे। यहाँ किस लिए आए हो तुम? तो ये देखिए, ये आयरन ब्लेड नहीं है, ये फ्राइंग पैन है। यहाँ से देखिए, क्योंकि एक जादू है। सुबह हो गई है। तो देखिए मेरे हाथ में क्या है? अंडा है, ये ताजा अंडा है। इसे मैं तोड़ूंगा, बॉल में डालूंगा। अब मैं फ्राइंग पैन गर्म करने वाला हूँ, जिस पर मैंने पहले से तेल लगा कर रखा है। देखिए अंडा पक रहा है। ये तो नॉर्मल लग रहा है। कुछ देर बाद ऐसा नहीं दिखने वाला बेटा। मेहरबान कदरदान, अंकल की कॉमेडी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप बुरा मत मानिए। चुप करो। इसने सही कहा। ये देखिए ये कैसे फिसल रहा है। देखिए अपना स्मूथ और ताजा ऑमलेट तैयार। देखने में कुछ सही नहीं लग रहा है। आपने कोई चाल तो नहीं चली है ना? बिल्कुल नहीं, अंडा सही से पका है। ये फ्राइंग पैन कमाल का है। देखिए, ये अंडा कहीं नकली तो नहीं है ना? ये बिल्कुल असली है, मैंने तुम्हारे सामने फ्राई किया है। तो क्या मैं खा के देख सकता हूँ? हाँ हाँ, खा लो खा लो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हंसा रहे हैं ये लोग, कॉमेडी कर रहे हैं। बेकार है,
मेहरबान कदरदान, अब सुनिए मेरा वाला आयरन प्लेट वाला जोक, ये देखिए। बड़ी 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 अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? अंकल आप भी मेरे साथ कीजिए। ओके ठीक है। बड़ी 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 नहीं नहीं मैं ये नहीं करना चाहता था। ये शिनचैन मैं आ गई। ओके मैम। बाय बाय अंकल, आपको अपने जोक पर और मेहनत करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ। आप है सर, आपने गलत समझा, ये मेरा असली काम नहीं है। क्या? दरअसल एक फ्राइंग पैन मुझे खरीदना है। देखिए बात ये है कि वो मेरी मॉम को बहुत पसंद है। तो इसका मतलब आप टीवी प्रोड्यूसर हैं? क्या कहा आपने? मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है? मैं एक न्यूरोसर्जन डॉक्टर हूँ और मुझे टोफू बहुत पसंद है। डॉक्टर नहीं टोफू लगते हो। सब यही कहते हैं जी। गुरु 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 गुरु